हेलो क्लास दिस इज योर मैथ्स एवरीवन टेक आउट योर मैथ्स बुक एंड आउट चैप्टर नंबर नाइन टाइम एंड कैलेंडर टाइम टाइम क्या होता है समय और कैलेंडर कैलेंडर क्या होता है आप सभी के घर में कैलेंडर ज़रूर होगा जिसमें हम लोग क्या करते हैं डेट देखते हैं राइट right, कैलेंडर में ट्वेल्व मंथ्स होते हैं और वो ट्वेल्व मंथ्स कौन सी होते हैं जनवरी फेबररी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर तो उसमें सभी मंथ्स मेंशन होते हैं और आज कौन सी डेट है या किस दिन क्या डे है ये सब कुछ हम देखने के लिए कैलेंडर का यूज़ करते हैं और टाइम आप सभी के घर में वॉल क्लॉक होगी राइट और हम लोग मोबाइल में टाइम देखते हैं और अकॉर्डिंग टू टाइम शेड्यूल हम अपना काम करते हैं तो दोनों ही चीज़ें टाइम और कैलेंडर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, राइट इससे प्रीवियस क्लास में हमने अपना चैप्टर नंबर एट मेजरमेंट फिनिश किया है जिसमें हमने किसी भी चीज़ का वेट साइज़ हाइट ये सब कुछ मेजर करना मापना ये सब कुछ सीखा था राइट और ये आई होप आप सभी ने कंप्लीट कर लिया है अपनी बुक्स एंड नोटबुक्स में मैंने आपको जो भी काम करवाया है सो लेट्स स्टार्ट आर न्यू चैप्टर चैप्टर नंबर नाइन टाइम एंड कैलेंडर डे एंड नाइट डे क्या होता है बच्चों दिन का समय जब स्काई में सब तरफ लाइट होती है और सन में हम स्काई में सन देखते हैं डे टाइम में राइट दिन के समय और डे टाइम कौन सा वक्त होता है जब हम अपना रूटीन वर्क करते हैं दिन भर का जो भी काम होता है वो करते हैं और नाइट नाइट में क्या होता है नाइट में हम जो स्काई है उसके अंदर मून एंड स्टार्स देखते हैं चारों तरफ डार्कनेस होती है अंधेरा होता है और इस वक्त सभी लोग क्या करते हैं रेस्ट करते हैं अपना सारा काम फिनिश करके डे टाइम इज़ वैन देयर इज द सन लाइट द सन शाइन्स ड्यूरिंग द डे टाइम दिन का समय वो समय होता है वैन देयर इज़ सन लाइट सन लाइट यानी चारों तरफ सूरज की रोशनी होती है द सन शाइन्स सूरज चमकता है ड्यूरिंग द डे टाइम नाइट टाइम नाइट टाइम इज़ वेन देयर इज डार्कनेस नाइट टाइम वो होता है रात का समय जब क्या होती है डार्कनेस डार्कनेस यानी कि अंधेरा द मून एंड द स्टार्स शाइन एट द नाइट रात के समय चांद और तारे चमकते हैं द डे इज़ डिवाइडेड इंटू फोर पार्ट्स जो एक दिन होता है मतलब जो एक पूरा डे होता है हमारा ट्वेंटी फोर आवर्स जिसमें चौबीस घंटे होते हैं इट इज डिवाइडेड फोर ये चार हिस्सों में बटा हुआ है डिवाइडेड यानी कि बटा हुआ है मॉर्निंग यानी सुबह आफ्टरनून दोपहर इवनिंग यानी शाम और नाइट रात ठीक है तो हर दिन में ये चार पार्ट्स होते हैं लुक एट दुक पिक्चर्स एंड पुट अ टिक फॉर द करेक्ट वर्ड आपको ये पिक्चर्स देखनी है और करेक्ट वर्ड को टिक करना है अब आप देख रहे हो यहाँ बाहर स्काई नज़र आ रहा है विंडो से मून और स्टार्स दिख रहे हैं जिसमें और बाहर अंधेरा भी है ये बॉय जो है वो स्लीप आ, स्लीपिंग है अभी सो रहा है तो ऐसा कब होता है बच्चों डे में होता है या नाइट में एज यू ऑल नो नाइट में हम लोग सोते हैं और अंधेरा होता है अब देखो ये स्कूल से बच्चा वापस आ रहा है राइट और जो सन है बहुत ज़्यादा तेज ब्राइटली चमक रहा है स्काई में तो ऐसा कब होता है आफ्टरनून में या इवनिंग में तो हम लोग स्कूल से वापस कब आते हैं आफ्टरनून में मॉर्निंग में हम स्कूल जाते हैं आफ्टरनून में दोपहर में वापस आते हैं अब देखिए ये बच्चा स्कूल की तरफ जा रहा है है ना और जो स्काई है वो अभी इतना ज़्यादा सॉरी जो सन है वो अभी स्काई में इतना ज़्यादा ऊपर भी नहीं है तो सुबह सुबह जो है ऐसा होता है ना तो ये मॉर्निंग टाइम है मीन्स ओके okay? जो जब आफ्टरनून होता है तो सन बिल्कुल हमारे सर के ऊपर आ जाता है तेज़ चमकता है और सुबह सुबह सन जो है वो इतना ज़्यादा तेज़ नहीं होता और यहाँ देखो बच्चे प्ले कर रहे हैं और हम लोग पार्क में कब जाते हैं प्ले करने इवनिंग में शाम के वक्त राइट तो इस तरह से आप ये एक्टिविटीज़ को टिक करेंगे अब हम रीड करने जा रहे हैं टाइम के बारे में टाइम यानी समय रीडिंग एंड राइटिंग टाइम अब इस चैप्टर के थ्रू हम रीडिंग यानी टाइम को पढ़ना और राइटिंग यानी टाइम को लिखना सीखेंगे ठीक है अब कुछ भी हम काम करते हैं तो वो हम मॉर्निंग में मॉर्निंग से ही अपना घड़ी देखकर और टाइम देखकर फिर स्टार्ट करते हैं जैसे कि सिक्स ओ हमें उठना होता है एट ओ हम स्कूल के लिए रेडी होके निकल जाते हैं वन ओ क्लाक टू ओ क्लाक हम स्कूल से वापस आते हैं उसके बाद हम रेस्ट करते हैं फोर ओ से हम अपनी स्टडीज़ को स्टार्ट करते हैं सिक्स ओ हमारा प्ले टाइम होता है मतलब हर चीज़ का एक टाइम फिक्स होता है है ना तो बच्चों आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों को ज़रूर टाइम देखना आता भी होगा और जिन्हें नहीं आता है तो हम इस चैप्टर की हेल्प से वो सीख लेंगे अ क्लॉक टेलस द टाइम क्लॉक क्लॉक क्या होती है घड़ी घड़ी हमें टेलस यानी बताती है समय इट हैज टू हैंड्स क्लॉक में कितने हैंड्स होते हैं टू हैंड्स ये जो लंबी लंबी आपको दिख रहे हैं ना ये क्लॉक के हैंड हैं ये जो छोटे वाला होता है वो होता है आर हैंड क्या होता है ये आर हैंड एच ओ यू आर आर एच एन डी हैंड आर हैंड और ये जो बड़े वाला होता है वो क्या होता है एम आई एन यू टी ई मिनट हैंड जो आर हैंड है वो ये बताता है कि कितने घंटे हुए हैं और मिनट हैंड हमें बताता है कि कितने मिनट हुए हैं द शॉर्ट हैंड इज कॉल्ड द आर हैंड जैसे मैंने आपको बताया कि जो छोटे वाला हैंड है उसको आर हैंड बोलते हैं एंड द लॉन्ग हैंड इज कॉल्ड द मिनट हैंड और जो लॉन्ग हैंड है वो मिनट हैंड है द क्लॉक हैज नंबर फ्रॉम वन टू ट्वेल्व मार्क्ड ऑन इज फेस ये क्लॉक का फेस है जो हमें नज़र आ रहा है और इसके ऊपर ट्वेल्व नंबर्स लिखे होते हैं वन टू ट्वेल्व कितने नंबर्स होते हैं क्लॉक में वन टू ट्वेल्व देखो यहाँ ट्वेल्व से इसे स्टार्ट करते हैं और फिर राइट हैंड साइड हम इसको क्लॉक वाइज ऐसे घूम के नंबर्स को रीड करते हैं ट्वेल्व वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन एंड ट्वेल्व और जो नंबर है वो बिल्कुल आ, बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पर है बराबर बराबर दूरी पर है ये नहीं है कि कोई भी नंबर हम कहीं भी लिख देंगे देखो ट्वेल्व के बिल्कुल सामने सिक्स है थ्री के बिल्कुल सामने नाइन है ये बिल्कुल इक्वल गैप में लिखे हुए हैं द आर हैंड मूव्स फ्रॉम वन नंबर टू नेक्स्ट नंबर इन वन आर ये जो आर हैंड है यानी जो घंटे वाली आ, सुई है वो क्या करती है वन आवर यानी एक घंटे में यहाँ से और यहाँ तक आती है दूसरे नंबर तक मतलब एक नंबर से दूसरे नंबर तक आने के लिए आर हैंड को एक घंटे का समय लगता है द मिनट हैंड कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ द डायल इन वन आवर और ये जो मिनट हैंड है ये पूरी क्लॉक में ऐसे घूमती है एक घंटे में इन दिस क्लॉक द मिनट हैंड इज एट ट्वेल्व एंड द आर हैंड इज एट थ्री ये वाली जो क्लॉक है बच्चों आर हैंड है थ्री पर और जो मिनट हैंड है वो किस पर है ट्वेल्व पर सो द टाइम इज़ थ्री ओ क्लॉक तो ये अभी क्या समय हुआ है क्या टाइम हुआ है मतलब थ्री ओ क्लाक जो छोटी वाली आर हैंड होती है वो जिस नंबर पर होती है वही टाइम हुआ होता है ठीक है ये जब थ्री पर हो और आ, हमारी मिनट हैंड ट्वेल्व पर हो तो इसका मतलब है ये थ्री ओ क्लॉक हुए हैं इन शॉर्ट यानी छोटा करके वी राइट हम लिखते हैं थ्री और उस तरह से ये दो डॉट लगा के टू जीरो लगाते हैं इसका मतलब भी थ्री थ्री ओ क्लॉक है और इसको हमने वर्ड्स में लिखा है ये भी थ्री ओ क्लॉक है मतलब तीन बजे हैं ओके okay? अब हम ये क्विक असाइनमेंट करते हैं राइट द टाइम शोन बाय द ईच क्लॉक इन टू वेज जैसे आपको बताया कि हम टाइम को इस टू वेज यानी दो तरह से लिख सकते हैं थ्री ओ क्लॉक और ये थ्री राइट right? जिसमें हम टू डॉट्स एंड टू ज़ीरोज लगाते हैं अब यहाँ पर क्लॉक्स बनी है आपको क्या करना है टाइम रीड करना है और दोनों तरह के दोनों तरीके से लिखना है वर्ड्स में भी लिखना है और शॉर्ट फॉर्म में भी लिखना है छोटा वाला एंड हैंड कहाँ पर है बच्चों एट पर है और बड़े वाला हैंड ट्वेल्व पर है इसका मतलब ये है एट ओ क्लॉक क्या टाइम हुआ है एट ओ क्लॉक एट लिखेंगे ओ लिखेंगे ऊपर एक कॉमा लगाएंगे एंड देन सी एल ओ सी के क्लॉक एट ओ क्लॉक यानी आठ बजे हैं और नीचे आप शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे छोटा करके एट फिर टू डॉट फिर टू ज़ीरोज़ अब यहाँ बी नंबर में देखिए छोटी वाली हैंड फाइव पर है और बड़ी वाली हैंड किस में है ट्वेल्व पर है तो यहाँ पर क्या टाइम हुआ है इसका मतलब फाइव ओ क्लॉक और शॉर्ट में आप इसको छोटा करके कैसे लिखेंगे फाइव टू डॉट एंड टू जीरोज़ तो फाइव ओ क्लॉक आप दोनों तरह से लिखोगे इसका मतलब भी पाँच बजे और इसका मतलब भी पाँच बजे यहाँ पर शॉर्ट वाली हैंड सिक्स पर है लॉन्ग वाली हैंड ट्वेल्व पर है तो यहाँ क्या टाइम हुआ है सिक्स ओ और शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे सिक्स टू डॉट एंड टू ज़ीरोज क्लास ये वाली जो हैंड आ, ये वाली जो क्लॉक है आपको इस तरह से बनानी है और बताना है कि ये आर हैंड है और ये मिनट हैंड है ये आपको अपनी नोटबुक में बनानी है ओके और आर हैंड एंड मिनट हैंड भी बताना है आपको ये आपको अपनी नोटबुक में बनानी है इन योर होमवर्क और ये जो क्विक असेसमेंट है आपको ये तीनों ही क्लॉक्स बनानी है और उसमें टू वेज में यानी दोनों तरीके से टाइम भी लिखना है दिस यू ऑल्सो हैव टू डू इन योर नोटबुक दिस इज योर होमवर्क ओके नाउ सेल्फ प्रैक्टिस ए राइट द मिसिंग नंबर्स ऑन द क्लॉक क्लॉक के ऊपर आपको मिसिंग नंबर्स लिखने हैं मैंने आपको ऊपर बताया था क्लॉक के ऊपर कितना कितने नंबर्स होते हैं वन टू ट्वेल्व तो देखो यहाँ पर हम वन से स्टार्ट करते हैं वन के बाद में टू नंबर नहीं है तो आप वन के बाद लिखेंगे टू थ्री फोर फिर फाइव मिसिंग है तो यहाँ फाइव लिखेंगे सिक्स एट सॉरी सिक्स सेवन सेवन के बाद में एट मिसिंग है यहाँ एट लिखेंगे नाइन टेन टेन के बाद में इलेवन मिसिंग है तो आप इलेवन लिखेंगे इस तरह से इन दोनों ही क्लॉक्स में बिल्कुल सीक्वेंस में बिल्कुल सही ऑर्डर में आपको ये नंबर्स लिखने हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ओके okay, और बिल्कुल इस तरह से छोटे छोटे सुंदर सुंदर से आपको लिखने हैं और इन क्लॉक्स को कंप्लीट करना है नाउ टर्न द पेज राइट द टाइम शोन बाय द फॉलोइंग क्लॉक्स वन हैज बीन डन फॉर यू यानी आपको बिल्कुल सिंपल जैसे हमने पीछे क्विक असेसमेंट में किया है आपको क्लॉक देखना है टाइम रीड करना है और नीचे लिखना है देखो यहाँ पर छोटा हैंड है सेवन तो पर सॉरी आर हैंड है सेवन पर और हमारा मिनट हैंड है ट्वेल्व पर तो ये क्या टाइम है सेवन ओ क्लॉक यहाँ पे हमारा शॉर्ट वाला हैंड जो आर हैंड है वो वन पर है और जो हमारा लॉन्ग वाला हैंड है वो ट्वेल्व पर है इसका मतलब वन ओ क्लॉक शॉर्ट हैंड यहाँ टेन पर है लॉन्ग हैंड ट्वेल्व पर है इसका मतलब टेन ओ क्लॉक ठीक है इस तरह से टाइम लिखना है जैसे इसमें लिखा है वन टू डॉट एंड टू ज़ीरो टेन टू डॉट एंड टू ज़ीरोज़ डी में देखिए यहाँ पर नाइन ओ क्लॉक है ये टू और ट्वेल्व पर है हैंड तो टू ओ है शॉर्ट हैंड इलेवन और ट्वेल्व पर है लॉन्ग हैंड तो ये हमारा इलेवन ओ है इस तरह से आप सब टाइम रीड करेंगे ठीक है छोटी वाली हैंड जिस नंबर पर है वही टाइम होगा ओके नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री राइट द टाइम शो इन शोन बाय द क्लॉक इन वर्ड्स यहाँ पे तो हमने शॉर्ट में लिखा था टाइम यहाँ पे आपको लिखना है इन वर्ड्स शब्दों में लिखना है देखिए जैसे यहाँ पर एट ओ है तो यहाँ एट ओ क्लाक यहाँ पर क्या टाइम है फोर फोर ओ और यहाँ दोनों ही हैंड अब आप सोच रहे हैं दूसरा हैंड कहाँ गया वो दूसरा हैंड जो शॉर्ट हैंड है उसी के ऊपर वो लॉन्ग हैंड है नीचे देखो आप छोटा सा एरो नजर आएगा शॉर्ट हैंड और लॉन्ग हैंड दोनों एक साथ जब ट्वेल्व पर होते हैं तो क्या टाइम होता है ट्वेल्व ओ क्लॉक ठीक है ट्वेल्व ओ क्लॉक में दोनों हैंड्स एक दूसरे को एक दूसरे के ऊपर होती हैं और जो लॉन्ग वाली हैंड है शॉर्ट हैंड को कवर कर लेती है ढक देती है तो ये ट्वेल्व ओ क्लॉक है क्वेश्चन नंबर फोर में क्या करना है ड्रॉ द हैंड्स ऑफ द क्लॉक टू शो द टाइम गिवन वन हैज बीन डन फॉर यू आपको यहाँ पर टाइम लिखा है ऑलरेडी और आपको हैंड्स बनानी है देखो यहाँ वन ओ क्लॉक है तो इसका मतलब शॉर्ट वाली हैंड वन पर लॉन्ग वाली हैंड ट्वेल्व पर यहाँ पर क्या है इलेवन ओ क्लॉक तो इसका मतलब ये जो सेंटर में एक डॉट है ना यहाँ से स्टार्ट करेंगे बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे शॉर्ट वाली हैंड इलेवन पर ऐसे एरो बनाना है और लॉन्ग वाली हैंड ट्वेल्व पर ओके यहाँ भी ऐसे एरो बनाना है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन डालनी है यहाँ थ्री ओ क्लॉक है मतलब शॉर्ट वाली हैंड बिल्कुल सीधी सीधी थ्री पर और लॉन्ग वाली हैंड ट्वेल्व पर वो ट्वेल्व को टच करनी चाहिए ठीक है और जो शॉर्ट वाली हैंड है वो नंबर से दूर होती है थोड़ा गैप होता है उसमें तो इस तरह से हमने हैंड ड्रॉ कर दिए हैं क्लॉक के तो दिस इज़ योर होमवर्क फॉर टुडे आपको मैंने जो क्विक असेसमेंट करवाया है और ये जो आपकी बैक एक्सरसाइज मैंने करवाई है आप लोगों की बुक्स में बिल्कुल इसी तरह से आपको आपका सेल्फ प्रैक्टिस नाइन ए कंप्लीट करना है और ये क्लॉक बनानी है आपको नोटबुक में और ये तीनों ही क्लॉक्स आपको नोटबुक में बना के टू वेज यानी दोनों तरह से इसमें टाइम भी लिखना है सो दिस इज ऑल फॉर टुडे थैंक यू सो मच